हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त है नो सुनील, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो मैं आपके लिए डील लेके आया हूँ वो मोबाइल से रिलेटेड है। किस कंपनी का मोबाइल है, क्या प्राइसिंग है, कब वो लॉन्च होने वाला, तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को चलो थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे को भी मज़ा नहीं आता, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम को वेस्ट नहीं करते, बात कर लेते हैं किस कंपनी का मोबाइल है, कब लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और मैं काफ़ी सारी वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना दी है कि कौन सा मोबाइल किस डेट में लॉन्च होने वाला है, और वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों के वजह से, मेरे को थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आज जो कंपनी का नाम है वो है शाओमी, कंपनी का नाम है रेडमी नोट, शाओमी रेडमी नोट 9 प्रो 5G मोबाइल है। इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस कंपनी का, सॉरी कहाँ की कंपनी है, और 5G मोबाइल है, एंड बैटरी पैकअप क्या है, इसका प्राइस क्या है, लॉन्चिंग डेट क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते तो बात कर लेते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G मोबाइल है। इस तरीके का मोबाइल है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे को तो भाई बहुत सही लग रहा है, इसका फ्रंट काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, एंड काफ़ी स्लिम मोबाइल है जहाँ तक ये देखने में लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए इस मुद्दे की इस पर बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इस मोबाइल के अंदर के इसकी जो रैम है वो कितनी है। रैम है इसकी 6 GB की रैम है इसकी। बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी है इसकी 4820 mAh, यानी 4820, यानी 4820 mAh की इनकी बैटरी है। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, और डिस्प्ले है 6.67, भाई फाड़ वाली, मतलब कुल आगे लगा सकता हूँ इतनी बड़ी है तो फाड़ वाली है, ठीक है, इसका डिस्प्ले जो है। और इसके अंदर जो कस्टम UI जो यूज़ हो रहा है, MIUI का हो रहा है, लेटेस्ट वाला है। और चिपेस्ट इसके अंदर बात कर लेंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G है, जो कि मोस्टली आज के डेट में सब मोबाइलों में ये यूज हो ही रहा है। तो बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, प्रोसेसर किस कहते हैं। प्रोसेसर इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G है, जो कि एडवांस वर्जन है। और इसके में जो कैमरा है, कैमरे की बात कर लेते हैं तो कैमरा है इसका 16MP का कैमरा है। कैमरा भी मेरे को इसका जबरदस्त लग रहा है, बाकी और थोड़ी मैं डिटेल्स में इसके अंदर जाना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल में गुड 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 कैसे हो सकती है भाई, ये तो मेरी भी समस्या पर है। एंड्रॉयड वर्जन जो है V10 है, क्यू है, ये एडवांस वर्जन है जो कि अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है, तो इसका मोबाइल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और ऑक्टाकोर है सबसे पहली। और बात कर लेते हैं इसके अंदर कि जो इसके अंदर जो टेम्पर्ड होता है, जो हमारे मोबाइल के ऊपर जो टेम्पर्ड ग्लास जिसे हम बोलते हैं वो लगा रहता है, तो कौन सा है, वो गोरिल्ला ग्लास है। 5 प्रोटेक्शन है। 5 प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि पहला आप मान लीजिए अगर गिर जाएगा तो क्रैक नहीं आएगा, स्क्रैच नहीं आएगा, पानी में गिर जाएगा, ऊपर से छोड़ दोगे, इस तरीके की कुल्ला की प्रोटेक्शन है। 5 प्रोटेक्शन है, ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है। हालांकि मैं बताऊँ आपको, जितने भी Xiaomi हो गया या Redmi हो गया, जितने भी Xiaomi, आपको पता होगा कि ये बाहर की कंपनी है, यानी चाइना कंपनी है, ठीक है। तो जितने भी चाइनीज मोबाइल होते हैं ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि सॉरी वाटरप्रूफ मोबाइल होते हैं जितने भी होते हैं, और आज के डेट में वैसे 99.9 मोबाइल जो होते हैं वाटरप्रूफ ही आ गए, ठीक है। तो मोबाइल को लेके मेरे पास इसमें कोई इशू नहीं है, मैं आपको सही बात बता दूँ। इसके अंदर जो कैमरे का जो सेटअप आने वाला है वो 4 कैमरे इसके अंदर इनबिल्ट आने वाले हैं। 108MP प्राइमरी जो फर्स्ट कैमरा होगा इसका, वो 108MP का भाई पावर वाला, मतलब क्लियरिटी तो बस भूल ही जाओ आप, क्लैरिटी क्या होती है वो एक्चुअल में आपको इस मोबाइल के अंदर दिखने वाली है, ठीक है। जो हम कैमरों पे देखते हैं ना वो इस मोबाइल के कैमरे पे दिखने वाली है। तो बात कर लेते हैं सेकंड कैमरा जो इसका 8MP का, यानी 8MP का अल्ट्रा वाइड एंजल कैमरा है, यानी अगर आप इसको धूप में भी अगर फोटो क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फोटो क्लियर आने वाली है। 2MP 2MP वो दो हैं, ठीक है, कैमरे। LED फ्लैश जो है इसका वो भी फाड़ वाला है, एंड HD के अंदर है। और जो इसका चार्जर है वो आपको पता है कि फाड़ वाला चार्जर आ रहा है, तो फास्ट चार्जिंग वाला आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बात कर लेते हैं इसकी जो चार्जर आएगा उसका वाट कितना है। तो 33 वाट का चार्जर हो तो यानी 0 ही समझो आप तरीके से, बिजली उसकी ना के बराबर ही है। और जो स्पीड है चार्जर की वो बहुत फाड़ वाली होने वाली है, यानी आधे से 1 घंटे के अंदर आपको चार्ज होने वाला है, ठीक है। लेकिन सिम की बात कर लें तो सिम इसमें नैनो सिम आएगी। अब नैनो सिम जो छोटी वाली आती है वो आप इसमें यूज़ आएगी, तो इसमें आप बड़ी वाली सिम जो है वो बहुत कम यूज़ होगी, छोटी ही सिम इसके अंदर यूज होने वाली है। बात कर लेते हैं इसके GB की, तो GB कितनी है इसकी। इंटरनल स्टोरेज जो है 128GB इसके इंटरनल स्टोरेज है। एक्सपेंडेबल की बात कर लेते हैं वो 512GB का है, ठीक है। आप जिस हिसाब से कार्ड का यूज करोगे 512 से अब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसमें कोई
दिक्कत है नहीं। एंड साथ ही साथ इसमें एक नई चीज और आने वाली है कि मैंने बताया था आपको, वाटर रेसिस्टेंट। यानी वाटर रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप पानी के अंदर भी फोटो क्लिक करोगे तो क्लियर आने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वाटर प्रूफ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस मेरे हिसाब से इसका बहुत सफिशियंट है, प्राइस को लेके कोई इशू नहीं है। प्राइस है इसका 17,990, 17,990 रुपये। और जो इसकी लॉन्चिंग डेट है वो रहा है 25 अक्टूबर 2021 में, ये लॉन्चिंग डेट है। मे भी हो सकता है उससे पहले हो जाए, लेकिन ये डेट इसकी कंफर्म है। अभी इसकी डेट बीच में एक्सटेंड हो गई थी, क्योंकि ये एक महीने पहले यानी कि सितंबर में लॉन्च होने वाला था, लेकिन किसी रीजन से इसको एक्सटेंड कर दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। कैसा लगा मोबाइल, कैसा लगा आपको इसका जो फीचर्स हैं वो, तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप सॉरी डीएम कीजिएगा मेरे को इंस्टा पे। चैनल जो है मेरा सोशल मीडिया के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाता रहूं और आपको मोबाइल से रिलेटेड अपडेट देता रहूं कि किस मोबाइल कब लॉन्च होने वाला है एंड इसका प्राइस क्या है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला आइकन पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को तो लाइक जरूरी कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच।